दिस इज आशीष और आज हम लोग जा रहे हैं कैफे, वहाँ पे करेंगे थोड़ी सी गपशप और 6 बजे मूड की डिमांड होती है स्नैक्स, खाएंगे कुछ स्नैक्स और आपको दिखाते हैं कैफे का टूर कैसा है, पूरा इलाका हम लोगों का। सबसे बढ़िया बात ये कि यहाँ का एकदम एवरग्रीन सा एटमॉस्फेयर, एवरग्रीन इसकी सराउंडिंग, मतलब लश ग्रीन कैंपस, जहाँ आप देखोगे आपको हरियाली मिलेगी, जहाँ भी देखोगे बिल्कुल पेड़ लगे हुए, आपको मतलब ऐसा फील होगा काफ़ी ज़्यादा जो है, मतलब हरा भरा सा लगता है, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण। स्वच्छ वातावरण में आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अलग ही लग रहा है। तो ये रही हमारी मेस, इसके ऊपर भी मैस है, इधर भी मैस है, कभी आपको मेस का टूर कराएंगे। हमारी मेस का नाम है अन्नपूर्णा, 4 सेक्शन है। चलो सक्षम, मैस के बारे में बताओ थोड़ा सा। मैस में टोटल 4 सेक्शन है। इधर का पोर्शन जो है ये थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का है, उधर जो दूसरा वाला पोर्शन है वहाँ पे फोर्थ ईयर और फर्स्ट ईयर। मतलब ये राइट वाला पोर्शन फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर, और लेफ्ट वाला ग्राउंड वाला थर्ड ईयर, ऊपर वाला सेकंड ईयर। फोर्थ ईयर वाले में बेसिकली खास बात ये है कि पेरेंट्स हैं जो कभी भी आएंगे तो वो वहाँ पे गेस्ट या फिर पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स को जाता है तो फोर्थ ईयर वाले में वो खाते हैं, या फिर जो डे स्कॉलर्स हैं इनकेस अगर आपने लंच नहीं लाए हैं तो फिर ये एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इनकेस नहीं लाते डे स्कॉलर अपना लंच तो वहाँ पर खा सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज़, और ये सारे हॉस्टल हैं, चारों तरफ हॉस्टल्स हैं। तब आप पूछेंगे एकेडमिक्स, तो कभी एकेडमिक्स का ब्लॉग भी आएगा, एकेडमिक्स उस तरफ है। तो ये हमारी छोटा सा एक मिनी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बहुत सारे टक शॉप्स हैं, क्लब्स। ये देख सकते हो मतलब काफ़ी ज़्यादा चीप है, 30 रुपये में आपको ये शायद कहीं नहीं मिलेगा, मतलब हमारे कॉलेज में तो, किस कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। चिराज भैया अलग अलग कर दिए, अरे शिवम भाई कैसे हैं आप? अलग अलग हो गए, चाय भी अलग अलग, समोसा भी अलग। समोसा नहीं, चाय एक ही में कर देना भाई। टाइम फॉर रिव्यू, ठीक है, चाय से शुरू करते हैं, चाय की एक सेट से। भाई 5 रुपये की चाय और क्या चाहिए था? और ये
ढोकला, सारी चीज़ें सिर्फ 30 रुपये में। क्या प्राइस है ढोकले का? 5 रुपये है, 5 रुपये। समोसे का भी 5 रुपये और चाय का भी 5 रुपये। ठीक है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ जीटी में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और काफ़ी बेटर, ठीक है हाँ। तो टेस्ट मतलब काफ़ी अच्छा है इस हिसाब से, मतलब 5 रुपये का आपको लग रहा होगा कि टेस्ट ख़राब है, बट बिल्कुल भी नहीं, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रीज़न हम मैच हो गया, मैच को भी टेस्ट अच्छा होता है, बट आप ऊब जाते हैं कि हम तो कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में, अरे शिवम भाई आइए, बैठिए बैठिए, आपको हम शिवम भाई से मिलते हैं। शिवम भाई आपने क्या लिया है, आप बताना चाहिए आपने? अच्छा, आपको ढोकला यहाँ का अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, और ये कितने का है सैंडविच? 10 रुपये। सिर्फ 10 रुपये? अच्छा, आपको प्राइस कम नहीं लगा? ठीक है, और इसलिए सबको कम लगता है। ठीक है तो करते हैं उसको फिनिश, फिर बढ़ते हैं। सो वी आर ऑल डन। अब एक नई चीज़ आई है, दबेली। ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर चुका हूँ, तुम कर चुका हूँ? मैंने खुद भी खाया, तुम ही लोगों से खाया था, मैं खाया था। हाँ ओके ओके, तो मैं खा चुका। तो एक बार दबेली ट्राई करते हैं, मतलब ये एक ही बार हमारा स्पेशल है, यहाँ का थोड़ा कभी कभी बनाते हैं लोग, तो वो आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं। देखते हैं कि कैसी है और आपको भी दिखाते हैं दबेली क्या होती है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये 3 लिए 25 रुपये की एक। तो देखते हैं ये कैसी है, मतलब जो जो भी है, मतलब अच्छी लग रही है। स्टफिंग तो सही लग रहा है, स्टफिंग प्याज है और अंदर और भी काफ़ी कुछ नमकीन बहुत भर रखा है, काफ़ी मतलब चीज़ें डाली। स्टफिंग बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा खाते हुए मत देखो यार। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है बिरयानी। नहीं नॉट, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। मैंने पहली बार खाया, पहली बार खाया, मतलब बिल्कुल बर्गर वाला फील आ रहा है ना, उससे भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया। फिनिश करते हैं इसको, चलते हैं। कैसे बस? अच्छा, आप क्या करते हैं आपके? मैं कुकिंग करता हूँ। कुकिंग करते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा हमें आपके हाथ का बनाया हुआ खाना, बहुत टेस्टी लगता है। क्या खाया आपने आज? हमने खाया दावेली, समोसे और चाय। दावेली सही थी, बहुत बढ़िया थी, बेहतरीन, मुझे तो बहुत पसंद है, टेस्टी लगी। थैंक यू भैया। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे मंदिर, क्योंकि आज है सैटरडे और हम सुंदरकांड, सुंदरकांड क्योंकि आज हो रहा है सुंदरकांड। सब लोग ये सोचते हैं कि मतलब इंजीनियर बन जाओ, ऐप डेवलपर बन जाओ, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओ और बिल्कुल यू चिल वेस्टर्न कल्चर अपनाओ, बट ऐसा नहीं है। हम लोग हैं सनातनी, राइट? हम लोग जा रहे हैं सुंदरकांड का पाठ करने, और ऐसा हम लोग हर सैटरडे को करते हैं। बेसिकली पूरी कोशिश करते हैं कि पहुँच जाएँ, कभी कभी ऐसा होता है मिस भी हो जाता है, बट हमें पूरी कोशिश रहती है पहुंचने की। तो अभी आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। शाम के टाइम आपको लोग, टीचर्स, फैकल्टीज सब टहलते हुए नज़र आएंगे, बहुत प्यारा मौसम होता है। वैसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल थोड़ी बारिश हुई थी, तो बारिश के बाद आज का मौसम बहुत प्यारा है और क्लीन भी है। हाँ बिल्कुल, जो है आपको हल्की सी ब्रीज आएगी हवा में, क्योंकि फ्लावर्स लगे हुए हैं बिल्कुल प्यारे प्यारे। और अब आपको लेके चलते हैं सीधे मंदिर। ये भी साइड में भी हॉस्टल्स हैं, ये सारे हॉस्टल, और ये हमारा एकेडमिक्स, ये पूरा इस लाइन में एकेडमिक्स। यहाँ से एक एंट्रेंस है, वहाँ से एक एंट्रेंस है, और काफ़ी प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, मतलब पर्सनली मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है हमारा लेक साइड, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है अगर आप यहाँ पे आते हैं, क्योंकि पर्सनली ये बहुत लोगों का फेवरेट है। क्या सेक्शन तुम्हारा फेवरेट है? तुम्हारा फेवरेट शिवम भाई? अरे वाह क्या बात है,
मॉर्निंग उससे मॉर्निंग वॉक कुछ और भी सवेरे जिम आते हैं तो ये सक्षम भाई का फेवरेट है क्योंकि वो सुबह आते हैं तो जिम के लिए वॉक मार लेते हैं। और कोई रीज़न नहीं है ना, बाकी नेहरू है यहाँ पे। अच्छा नेहरू है, बस क्लास बंद करके कहीं चले तो नेहरू चले जाओ। ये एक और रास्ता जाता है हॉस्टल की तरफ, और हॉस्टल का भी टूर आपको रिजन कराता है, रूम टूर भी बाकी है। ये रही वो फ्रूट शॉप, लेके चलेंगे आपको यहाँ पे। ये है मेन एंट्रेंस, सेकंड मेन एंट्रेंस, एक मेन एंट्रेंस आगे भी है बट ज़्यादा यूज यही होता है। क्या हो गया, चप्पल टूट गया? सक्षम भाई का चप्पल टूट गया है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ कमेंट दीजिए। सक्षम भाई को नई चप्पल के लिए आप सजेशन दे सकते हैं, कौन सी चप्पल लें। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और आपको दूर से ही नज़ारा दिखाते हैं। आपको अभी से मतलब वाइब्स आने लगती हैं जब मंदिर के पास आप। टेंशन, सारी टेंशन यहीं पे होती है रिजॉल्व। तो ये रहा मंदिर, थोड़ी देर में यहाँ पे आपको और ज़्यादा भीड़ दिख जाएगी। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है सामने। मिली अवधेश से, अवधेश वहाँ पे बैठ के जो है सुंदरकांड का पाठ कर रहा था और हम लोग थोड़ा से लेट हो गए बस। तो अवधेश कुछ कहना चाहोगे? हाँ मैं इसे कंप्लीट। तो अभी हम लोग प्रस्थान करने जा रहे हैं मेस की तरफ और फिर जाएंगे वापस हॉस्टल तो और फिर ख़त्म करेंगे ब्लॉग। है गेस्ट हाउस, मतलब पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रुकेंगे, पेरेंट्स के लिए अलग है, बट आपका कोई स्पॉन्सर या फिर कोई ऐसा चीफ गेस्ट आता है तो यहीं पे रुकता है, ठीक है। और ये उसका पूरा प्राइवेट एरिया है। आज तो पनीर अच्छा लग रहा है। अच्छा लड्डू और ये बस
तो बेसिकली खाने में दाल, पनीर की सब्ज़ी, रोटी और ये बर्फ़ी का मैंने पीस लिया है और ये अचार और दूध भी लेके आता हूँ। हमारी मेस में थोड़ा नॉइस हो रहा है तो शायद आपको आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, बट खाना काफ़ी मतलब ठीक रहता है, मतलब रात का खाना थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं भी रहता कभी कभी, बट हाँ ठीक रहता है स्पेशली ट्यूसडे को। जो भी जेपी के हैं वो कमेंट्स में बताना क्या रहता है ट्यूसडे को, और बाकी ब्रेकफास्ट का भी आपको बताऊँगा। और ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। चलो बाय बाय।